हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टिचिंग मेड इजी। आज हम वी प्लेकेट राउंड नेक के साथ बना रहे हैं। शुरू करते हैं वीडियो। 5 इंच चौड़ी और 20 इंच लंबी मैंने चेपी का पीस लिया है। इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और इधर से 3 इंच और 3 इंच ही लंबाई में गोलाई का निशान लगाएंगे। वी बनाने के लिए 1.5 इंच यहां से और 3 इंच नीचे तक निशान लगाएंगे और इसको इस तरह मिला लेंगे। इसके बाद ये ब्लैकेट है, इसको 7 इंच तक लंबा रखना है और 1/4 इंच चौड़ा इस तरह। इस तरह इसे सारे निशान लगा लेंगे। इसी तरह नीचे आ जाए इस तरह और ऐसे काट देते हैं। इसके बाद यहां से काट लेते हैं। इस तरह से काट लेते हैं। ये हमारा गले का डिजाइन है, इसे दरमियान से काट लेते हैं। एक हिस्सा ये काटा है, अब इसका एक हिस्सा ये काटना है। ये हमने जो इसमें से निकाला है उसी को यहाँ से ऐसे काट देते हैं और इसी से पे लगा के इस तरह। इतना छोड़ना है, यहाँ से ट्रेस करना है इसको। ऐसे सीधा ले जाना। ये हमने जो पहले गला बनाया ना उससे 1/2 इंच ज्यादा रखा है यहां से। अब इसको बाहर से ऐसे निशान लगा के ऐसे ट्रेस करते हैं।
ये इसके ऊपर आना है, इसको दरमियान से कट कर देंगे ऐसे, और इस तरह लगाएंगे। ये अभी आपको बना कर दिखाएंगे, ऐसे ऊपर नीचे आना है इसने, ठीक है, इस तरह। ये काट देते हैं ना ऊपर से, क्योंकि इसका ये बना लिया ना, अब ये ऊपर से काट देते हैं। इसे कपड़े पे लगा के प्रेस करके सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये वी शेप प्रेस करके चिपका लिया इसके साथ। अब इसको यहाँ से दो हिस्सों में कर देते हैं। इस तरह, और ये गोल शेप जो ऊपर आना है गोल, वो भी चिपका लिया इसके साथ प्रेस करके। अब इसके साथ भी निचला दूसरा कपड़ा अटैच करना है। पहले मैं इसके साथ लगाती हूँ, दूसरा पीस भी इसी तरफ लगा देते हैं। इसे इसके अंदर से थोड़ा छोड़ के काट ले। बाहर से भी इसी तरह। यहाँ कट लगाए, इधर भी। और इसे मोड़ लें, इस तरह इसे मोड़ के दोबारा प्रेस करना है। ये जो दूसरे गोल वाले पीस हैं, इन्हें भी दूसरे कपड़े पे लगा लेते हैं।